और अपने अब इस टाइम हिंदुस्तान के अंदर बिल्कुल तानाशाही चल रही है, डिक्टेटरशिप चल रही है। मोदी जी चाहते हैं कि मेरे फैसले में कोई उंगली ना आवे, जो मैं संसद में मोदी का भगवान है। बताओ पब्लिक तो उनका वोट देती है। वोट वोट तो कांग्रेस को भी देता है, ब्लैक पेपर में आ जाओ वोट देने के लिए। मोदी जी का नारा था कांग्रेस मुक्त भारत, और मैं जानता हूँ कि कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है, 135 साल हो चुके हैं। कांग्रेस मुक्त तो भारत नहीं होगा, ये तनाशाही है। और है क्या, बीजेपी चल रही है इस टाइम, बीजेपी सारा वो है, ईडी बीजेपी की है। ये सब काम कोई भी काम अच्छा ढंग से नहीं होगा, फिर मनमानी है, जो भी करेगा वो अपने मन से करेगा, फिर सवाल कौन उठाएगा, कोई भी नहीं उठा पाएगा। ऐसा मैडम, मोदी जी का नारा था कांग्रेस मुक्त भारत, और मैं जानता हूँ कि कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है, 135 साल हो चुके हैं। कांग्रेस मुक्त तो भारत नहीं होगा, ये गारंटी। इलेक्शन में भी 40% वोट मिले हैं उसे। हाँ, इस टाइम भी उन्हें इन तीनों इलेक्शनों में, तीनों राज्य के चुनावों में उनसे ज्यादा वोट मिले हैं। अब कांग्रेस मुक्त ऐसे तो हो नहीं रहा, तो इन्हें सोचा कि विपक्ष में से इनका पत्ता साफ करने लगे। चूक तुमसे हुई, तुम्हारी गवर्नमेंट है, और आज से 20 साल पहले भी तुम्हारे से चूक हुई थी, चूक तुमसे हुई ना। अगर वो गृह मंत्री से बयान मांग रहे हैं कि भाई गृह मंत्री आके सफाई दें, तो गृह मंत्री से कोई कोठी बंगला तो नहीं मांग रहे, उनका हक है भाई, जनता ने उन्हें इसीलिए चुना कि आवाज उठाओ। आवाज उठाने का मतलब है कि आप सस्पेंड होंगे। और ओम बिरला जी कह रहे हैं कि भाई हमारी जांच चल रही है, जांच चल रही है, जांच तो बहुत केसों की चल रही है मैडम, आज तक नहीं हुआ। आपको लगता है कि गृह मंत्री को आकर इस पे सबसे पहले बयान देना चाहिए? हाँ बिल्कुल देना चाहिए, गृह मंत्री का फर्ज बनता है आके बयान देना। गृह मंत्री का फर्ज नहीं है क्या? गृह मंत्री, अरे सब कुछ उनके हाथ में, गृह मंत्री के में पुलिस वगैरह वगैरह। आप इसको कैसे देखते हैं, विपक्ष के सांसदों को सस्पेंड करना, इसको आप कैसे देखते हैं? मैडम देखो, आने वाला वक्त बता सकता हूँ अब क्या होगा। जो 2-4-10 और रह गए ना, वो आवाज उठाएंगे, वो आवाज उठाएंगे, वो भी सस्पेंड होंगे। और अपने अब इस टाइम हिंदुस्तान के अंदर बिल्कुल तानाशाही चल रही है, डिक्टेटरशिप चल रही है। मोदी जी चाहते हैं कि मेरे फैसले में कोई उंगली ना आवे, जो मैं चाहता हूँ वो होगा, और वो हो रहा, क्योंकि उन्होंने आज ही मैंने पेपर में पढ़ा था कि जो मैंने वादे किए वो पूरे हुए कि नहीं हुए का पता नहीं। आप फिर इस तरह से तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा ना? तो लोकतंत्र बचाई कहाँ है मैडम, बचा कहाँ है? लोकतंत्र बचा कहाँ है, जो आवाज उठाता है उसे। क्या विपक्ष के बिना संसद चलेगी? आज संसद में 89 सांसदों को निष्कासित कर दिया गया है पूरे क्षेत्र के लिए, आपको क्या लगता है? नहीं चलेगी मैडम, विपक्ष रहेगा तो संसद चलेगा, विपक्ष रहेगा तो मीडिया चलेगा, विपक्ष। लेकिन मोदी सरकार तो ऐसा लगता है कि विपक्ष के बिना सरकार चलाना चाहती है। आज संसद में सारे विपक्ष ही नहीं रहेगा तो राजनीति करेगा कौन, बताओ? विपक्ष ही नहीं रहेगा ना, राजनीति करेगा कौन? अभी मीडिया वाला किस चीज के लिए लड़ रहा है? विपक्ष है तो इसलिए हमारा पास आया। लेकिन मोदी जी ने जो सरकार जिस तरह से चल रही है उसको आप कैसे देखते हैं? ओ एकदम कोई लायक का नहीं है। लेकिन कहते हैं कि मोदी है तो सुरक्षा है। कैसे मोदी को भगवान, मोदी का भगवान है क्या? संसद में मोदी का भगवान है, बताओ? पब्लिक तो उनका वोट देती है। हाँ वोट वोट तो कांग्रेस को भी देता है, ब्लैक पेपर में आ जाओ वोट देने के लिए, देखता हूँ कितना किसका दम है। अभी 5 राज्य में इलेक्शन हुए, 4 राज्य तो क्या, वो तो चुतिया बना के ले लिया ईवीएम से, सही है, ईवीएम से ले लिया चुतिया बना के, बोला कि पहले छोटा छोटा राज्य जीतने तो एक खट्टा मैं खींच लूंगा, एक खट्टा खींच लिया मोदी ने। लेकिन ऐसा नहीं है, ये कहते हैं कि ईवीएम कोरोना तब रोती है विपक्ष जब हार जाती है। अभी ब्लैक पेपर में आ जाओ, कौन हारेगा कौन पता ही चल जाएगा, बस मोदी को बोलो ब्लैक पेपर, अब तो मीडिया वाला बोलो मोदी को ब्लैक पेपर में आ जाए। संसदों का निष्कासन को आप कैसे देखते हैं? नहीं, संसद को निष्कासन हुआ जो गलत हुआ है, क्योंकि बिना विपक्ष के सरकार नहीं चल सकती है, और जब विपक्ष रहेगा वो सवाल उठाएगा, ऐसे बिना विपक्ष का कोई भी गड़बड़ करेगा, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो कुछ नहीं, फिर कानून का पालन नहीं होगा। ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है कि इतने सारे सांसदों को निष्कासित कर दिया। नहीं, ये सांसद को निष्कासित करना ये गलत है, क्योंकि बिना विपक्ष के रहते हुए भी ये सब काम कोई भी काम अच्छा ढंग से नहीं होगा, फिर मनमानी है, जो भी करेगा वो अपने मन से करेगा, फिर
फिर सवाल कौन उठाएगा, कोई भी नहीं उठा पाएगा। संसद पे अटैक हुआ उसके लिए मांग कर रहे थे सुरक्षा कारण, लेकिन उनको निष्कासित कर दिया। नहीं तो कोई भी मांग रखना गलत बात नहीं है, अगर सुरक्षा में चूक हुई है संसद में तो जो गवर्नमेंट है उसको प्रॉब्लम है, वो उसके द्वारा हुआ है। अगर हम सुरक्षा अच्छा रखेंगे तो सवाल क्यों उठेगा भाई, अगर अच्छा से सुरक्षा करेंगे तो विपक्षी सवाल नहीं उठाएगा, इसलिए ये जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। आपको कैसा लगता है मोदी जी की जो भी सरकार का फैसला है उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? नहीं, ये जो ये फैसला है इसके मैं खिलाफ हूँ, बाकी जो काम चल रहा है कोई कोई काम अच्छा करते हैं, बाकी ये सब है बिना विपक्ष का काम, ये गलत बात है। विपक्ष का होना जरूरी है, जरूरी है, विपक्ष का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर क्वेश्चन कोई क्वेश्चन नहीं करेगा तो वो कुछ भी कर सकते हैं, उनको रोकना करना सही सब करेगा। लेकिन एक और बात कहूंगा कि मोदी जी को अपने स्टेप को बैक लेना चाहिए, उनको उनका आराम से मसला हल करना चाहिए। संसद में अगर सिक्योरिटी सही लगाता, अभी जो गैस लेके घुसा था, अगर वो जहरीला गैस होता तो क्या क्या होता, सारे तो वहाँ सो जाता, एक भी नहीं बचता वहाँ पे, कैसा सिक्योरिटी दिया वहाँ पे। अगर संसद में घुस सकता है तो देश में घुसने के लिए क्या, देश में तो कभी कोई घुस जाएगा? लेकिन जो सुरक्षित है संसद, जनता कहती है मोदी है तो देश सुरक्षित हाथों में, आप कैसे कह रहे हैं? क्या मोदी का कोई भगवान है? जनता है तो सुरक्षित सही है। हम आसमान के नीचे जैसे हम चार भाई बहन खड़े हैं ना अभी, तो राहुल गांधी और मोदी जी भी भाई हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? भाई है, सब भाई सारे हम और भाई एक दूसरे से गले भी मिल सकते हैं, मिले भी हैं, तो बात है आप मिलकर 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 बातों को सुलझाइए, हम लोगों को तक बात क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, आप ऐसे सुलझाइए देश को, ऐसे ये लोग हिंदू मुसलमान करता है, हॉस्पिटल में जब खून का जरूरत पड़ता है उस टाइम के हिंदू मुसलमान देखता है ना, ग्रुप देखता है, कोई नहीं देखता है, क्या देखता है? बी नेगेटिव मिल भाई चालू मुझे दे, वो कुछ ही जाति का भी हो, मुझे बचना है। तो आपको क्या लगता है कि मोदी सरकार हिंदू मुस्लिम करके वोट मांगती है? बोल रहा है कि मैंने मंदिर खोला, कोई विकास हुआ? मंदिर तो पहले जमाने से हमारा देश में है, राम जी का छोटा जगह में राम रहेगा तो आज सबसे बड़ा सवाल है कि विपक्ष के बिना क्यों नहीं बोलते, देश में विपक्ष रहेगा या नहीं, देश नहीं है सवाल। अरे मंदिर का जगह पर रोजगार दे देता उसको बंदा को, शिक्षा पे, महिला सुरक्षा पे। नहीं, आज जैसे संसद में स्थिति उत्पन्न हुई है कि 79 सांसदों को निष्कासित कर दिया गया पूरे सत्र में, तो गलत क्या? मेरा सवाल ये है कि संसद क्या विपक्ष के बिना चलेगा? हाँ चलेगा, तो चलेगा, काम हो रहा है, सारे काम हो रहे, तो क्यों चलेगा? मतलब विपक्ष का होना जरूरी, वो समझने में ऐसी कुछ नहीं है, सभी ऐसी विपक्ष नहीं रहेगा संसद कैसे चलेगा? देखिए ये तो ताहले मोदी जी ये काम कर रहे हैं, ये जनता के मिल के नहीं काम कर रहे हैं ना, मोदी अपना कुर्सी के लिए मर रहा है, कांग्रेस अपना देश के लिए मर रहा है, रोजगार दे रहा है, कहाँ कहाँ जा रहा है तो इनकी बात हो रही है, जॉब हो रही है, बाकी मोदी जी के काम आदमी का पसंद नहीं है ना, नहीं चल पाएंगे आपके 2024 में के हट जाएंगे, जनता आपकी कह रहा है मैं पेपर से वोट करा दो, मशीन का हटा दो तो वोट करा दो, देखो मोदी जी दोबारा सपना नहीं आएंगे। संसद में जीते हुए सांसदों को भी निष्कासित कर दिया जा रहा है, उस पर आपकी क्या राय? ईवीएम तो एक अलग मुद्दा है, जो जीत कर आए हैं उनको भी बोलने नहीं दिया जा रहा है। तो उन गलत कर रहे हैं, उनको ना पकड़ाई हो रही है, कार्रवाई हो रही है, हाँ तो इनकी कैसे फिर चलेगा? हाँ उनकी नेता सारा सारी बातों घोटाले बाज, हाँ ये थी मैं कर रहे हैं, उनकी नेता में बातों की घोटाला बाज नहीं है, कांग्रेस के नेता में खाली बातों की चोरी है, हाँ बीजेपी तो गलत कर रही है। आप बोलेंगे जी, देश में आज देश की संसद में 79 MPs को निष्कासित कर दिया गया है, इसको आप कैसे देखते हैं? संसद क्या बिना विपक्षी दलों के चलेगी? नहीं, सामने में जो विपक्ष होना चाहिए ना वो मजबूत होना चाहिए, मानते हैं ना, जो सामने में जो विपक्ष हो, नहीं 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 देखिए देखिए, विपक्ष हमेशा जो है ना जब सत्ता में नहीं होता है ना तो अच्छा ही सोचता होता है, वो यही सोचते हैं कि नहीं हमें और भी अच्छा करना है,
ताकि हमें जो है सो सरकार मिले, हमारी सरकार आए। इससे पहले अगर आप देखें तो कांग्रेस की सरकार थी, है ना, तो आपने जो है सो 2014 से पहले का देखिए, है ना, उस समय क्या था देश में, और अभी के लोगों में जो जागरूकता आया है ना, चाहे किसी भी चीज़ के लेकर के जो आया है जागरूकता, वो आप देखिए और पहले में देखिए, बहुत डिफरेंस हो गया है। अब उनका सत्ता आ नहीं रहा है तो वो कुछ ना कुछ तो करेंगे। नहीं, संसद देश क्या जो कहते हैं लोकतंत्र का मंदिर, संसद हाँ। पर अटैक हुआ, वो भी तब जब 22वीं वर्षी मनाई जा रही थी संसद अटैक का। तो वो कब हुआ था, वो किस टाइम पे हुआ? 2001 में बीजेपी की सरकार थी। बीजेपी की सरकार थी, ओके, मे भी हो सकता है। देखिए करप्शन हर किसी के अंडर में है, है ना, हम ये नहीं कहते हैं क्या देश विपक्ष के बिना चलेगा, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं चल सकता है। एक तो कंपटीटर तो चाहिए हमें, है ना, बिना कंपटीटर का नहीं हो सकता है। जैसे 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 कि अगर आप देखिए आज के डेट में अगर देखें तो मोदी जी इसलिए इतना आगे है ना, क्योंकि उनके कंपटीटर में कोई दूसरा प्रधानमंत्री का कैंडिडेट नहीं है, चाहे वो कांग्रेस के पास में हो तब, चाहे वो बीजेपी के पास में भी। अगर 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 हमारे सांसद जब वो सुरक्षा को लेकर मांग करेंगे तो क्या हम उन्हें निष्कासित कर देना चाहिए? नहीं, निष्कासित नहीं करना चाहिए, सत्र के लिए निष्कासित कर देना। नहीं, नहीं 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 करना चाहिए, उनकी भी बातें को सुनना है हमें, है ना, वो क्या कह रहे हैं, वो सही है अपने पक्ष पे विपक्ष पे है कि नहीं, वो सुनना चाहिए हमें, है ना। तो आप इसको सही मानते हैं गलत मानते हैं, मेरा बस इतना सा पूछ है। मैम अभी ये टॉपिक के बारे में मेरे को इतना आइडिया नहीं है, है ना, सिर्फ निष्कासन पे टॉपिक। ये तो नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। थैंक यू। आप बोलेंगे आप बोलोगी देश में जो आज संसद में 89 सांसदों को निष्कासित कर दिया गया है, सुरक्षा के मुद्दे की मांग कर रहे थे वो लोग, कोई अलग मांग नहीं कर रहे थे, सुरक्षा के लिए मांग कर रहे थे, उनको निष्कासित कर दिया गया है, तो आप इस पे क्या कह रहे थे? आप किस तरह देखिए आज जो हमारी सरकार है 2014 के बाद, भले लोगों को लग रही है कि बीजेपी सरकार आई है तब से बहुत बढ़िया काम की है, लेकिन हमें नहीं लगती है, क्योंकि अगर रोजगार के मामले में जाइएगा तो कम तो मतलब 12-15% एक्स्ट्रा रोजगार, मतलब ये बेरोजगार लोग बैठे पड़े हैं, पहले से 12-15% अभी एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं। और क्या बोलो, बाकी बीजेपी सरकार तो हमें कुछ समझ में नहीं आया। सबसे बड़ा सवाल ये उभर कर आया है, क्या संसद विपक्ष के बिना चलेगी? नहीं चलेगी। आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? कैसे देखते हैं संसद को, मतलब विपक्ष होना ही चाहिए, और विपक्ष जब कभी देखते हैं विपक्ष अगर कोई खड़े होते हैं तो विपक्ष के ऊपर, मतलब यहाँ बीजेपी की राज चल रही है, बस होगी बीजेपी ही चलती है। तो मतलब ये सरकार जो भी फैसला लिया गया वो गलत है, आपका कहना ये? हाँ गलत है। देश में संसद भवन में 79 MPs को निष्कासित कर दिया गया पूरे सत्र के लिए, आप इसको कैसे देखते हैं? ये तनाजाई है, आपकी नजर में ये फैसला गलत है? गलत है, विपक्ष का होना जरूरी है, विपक्ष का होना जरूरी है। सब कहते हैं मोदी 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 क्या कर रहा है बताओ, जो पार्टी उठती होती है उसको दबा देता है, अब किसी और बढ़ रहा है तो ऊपर उसको दबाने में लगा हुआ है, कहीं कुछ ईडी किसी इलेक्शन आए ईडी का मसला ये वो, इलेक्शन से पहले कुछ भी नहीं होता है। लेकिन पहली बार देश में ऐसा मौका आया है जब इतनी बड़ी संख्या में MPs को निष्कासित कर दिया गया है, फिर ये क्या तनाशाही है? ये तनाशाही है, और है क्या बीजेपी चल रही है इस टाइम, बीजेपी सारा वो है, ईडी बीजेपी की है और सारा बीजेपी का चल रहा है, CBI तो फिर बोलने और राजी नहीं होते, सबको मुंह बंद कर देते हैं। मतलब आपकी नजरों में ये तानाशाही? बिल्कुल तानाशाही है। आप बोलेंगे लोकसभा में जो आज लोकसभा राज्यसभा दोनों मिला के 89 MPs को निष्कासित कर दिया गया सुरक्षा के मुद्दे पे, जो मांग कर रहे हैं ठीक है, डिसिप्लिन के मामले में अगर योगी जी लॉ एंड ऑर्डर के चक्कर में सख्ती दिखा सकते हैं तो एक आधी सख्ती संसद में भी होनी चाहिए, कैसे बच्चों की तरह लड़ते हैं उनको, उनका व्यवहार तो देखो ना सभी पार्टियों का, एक आध बार ऐसा होगा प्रेसिडेंट सेट होगा तो आगे सारे सुधरेंगे। आप वो कोई गलत मांग तो नहीं कर रहे थे, वो जो संसद में जो सुरक्षा चूक हुई, लेकिन क्या है गृह मंत्री को संसद में बयान देना चाहिए? नहीं, संसद में सुरक्षा चूक हुई, जांच होने दें, गृह मंत्री भी बयान दे देंगे, क्या दिक्कत है? तो आप इसको सही मानते हैं? मैं बिल्कुल सही मानता हूँ, इन सबको जो भी हंगामा करे, विपक्ष देश में रहे ना, ना पक्ष हो विपक्ष हो, जो हंगामा करे वो गलत है, उसे बाहर होना चाहिए, उसे निलंबन होना चाहिए उसका, सीधा सीधे तरह। जब हम बातचीत से सारी समस्याएं हल करते हैं तो वहाँ पे सेल में जाने का क्या मतलब, वेल में जाने का क्या मतलब है, हंगामा करने का मतलब है? इसी विधानसभा लोकसभा राज्यसभा में कुर्सियां तोड़ी गई, माइक तोड़े गए, हिंसा हुई,
वो सब कब कब खत्म होगा? ऐसे खत्म होगा? मतलब ये तानाशाही नहीं है? बिल्कुल नहीं है तानाशाही। कोई तो शुरुआत करेगा इस चीज की। जो